गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट आर न्यू चैप्टर एंड चैप्टर नेम इज़ द बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, सो बिपिन चौधरी इसमें एक कैरेक्टर का नाम है और लैप्स ऑफ मेमोरी मतलब हमारी जब मेमोरी क्या है, हम कुछ चीज़ भूल जाते हैं उसको हम बोलते हैं लैप्स ऑफ मेमोरी। कोई मोमेंट होता है या कोई इवेंट होता है वो हम भूल जाते हैं। सो इन दिस फर्स्ट पार्ट, every monday on his way back from work vipin chaudhary would drop in at kali charan's in new market to buy books। theek hai, har somvar ko monday ko jo work hai, jab bhi wo apne work se wapas ghar aata hai to vipin chaudhary hamesha kali charan's के मार्केट में, न्यू मार्केट में अपने लिए बुक्स खरीदता है। क्राइम स्टोरीज, गोस्ट स्टोरीज एंड तो वो इस टाइप की बुक्स खरीदता है। ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। तो वो उसको एटलीस्ट 5 बुक्स खरीदनी होती है ताकि वो पूरे हफ्ते एक तरीके से उसके पास अवेलेबल रहे बुक। ठीक है, ही लिव्ड अलोन, वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, हैड फ्यू फ्रेंड्स एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट। तो वो अकेला रहता था, वो ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था किसी के साथ और बहुत कम फ्रेंड्स थे और कहीं ना कहीं क्या है, उसे वेस्ट ऑफ टाइम लगता था बातें करना। टुडे एट काली चरण्स बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। तो जब वो काली चरण के बुक स्टोर में था तो बिपिन बाबू ने उसको ऐसा फील हुआ कि शायद कोई उसे देख रहा है कुछ कदमों की दूरी पर। ही टर्न्ड अराउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस मीक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इंटू अ स्माइल। तो यहाँ पे क्या है कि जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो एक राउंड फेस का आदमी और बहुत ही चुपचाप लगने वाला आदमी, और जब विपिन चौधरी की आंखें उससे मिलती हैं तो वो क्या है, स्माइल पास करता है। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, और वो आदमी क्या बोलता है कि शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। हैव वी मेट बिफोर, आस्क विपिन बाबू, क्योंकि विपिन बाबू को याद नहीं आ रहा था उसकी फेस देख के। ठीक है, तो वो क्या बोलता है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज। ठीक है, और जब ऐसा पूछता है विपिन बाबू तो उस आदमी के चेहरे पे क्या है, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है वो। एंड वो बोलता है कि हम एक हफ्ते तक हम लगातार मिले हैं एक दूसरे से। आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रो फॉल्स, और मैंने तुम्हारे लिए, मतलब विपिन चौधरी के लिए, कार अरेंज करी थी हुड्रो फॉल्स के लिए। इन 1958 में इन रांची, माई नेम इज़ पारमल घोष। ठीक है, तो जब तुम रांची आए थे तब मैंने तुम्हारे लिए कार बुक करी थी और मेरा नाम पारमल घोष है। ठीक है, तो यहाँ पे विपिन बाबू सोचते हैं रांची, क्या मैं रांची गया था, वो याद करने की कोशिश करते हैं। नाउ विपिन बाबू रियलाइज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। तो अब विपिन बाबू को रियलाइज़ होता है कि वो मिस्टेक नहीं कर रहा, मतलब उसे याद सारी चीज़ें हैं, शायद से पारिमल घोष उसको गलत आदमी समझ रहे हैं। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, क्योंकि विपिन बाबू को याद है कि वो कभी भी रांची नहीं गए। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सर्वरल टाइम्स बट नेवर मेड इट। उन्होंने कभी सोचा था कि वो जाएंगे लेकिन कभी वो जा नहीं पाए। ही स्माइल एंड सेड डू यू नो हु आई एम, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। द मैन रेज्ड हिज आईब्रो, बिट हिज टंग एंड सेड डू आई नो यू, हु डजंट नो विपिन चौधरी। ठीक है, तो जो आदमी था पारिमल घोष वो अपनी आईब्रो उठाता है, ठीक है, रेस करता है और बोलता है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, कौन नहीं जानता विपिन चौधरी को। मतलब अब वो उसका, विपिन चौधरी का नाम ले रहा है। विपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक शेल्फ्स एंड सेड स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, वन ऑफन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची। और विपिन बाबू उसको इग्नोर करते हुए बुक शेल्फ की तरफ मुड़ जाता है और बोलता है कि शायद तुमने कुछ गलती करी है क्योंकि मैं कभी भी रांची नहीं गया। द मैन नाउ लाफ अलाउड, और जो आदमी रहता है पारिमल घोष वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, यू हैड अ फॉल इन हॉड्रो एंड कट योर राइट नी, आई ब्रॉट यू आयोडीन।
ठीक है। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि क्या बात कर रहे हो मिस्टर चौधरी, आप हुडरो फॉल में, जो वो वाटरफॉल है वहाँ पे आप गिर गए थे और आपकी राइट नी में चोट लगी थी और मैं आपके लिए आयोडीन लेके आया, मतलब दवाई लेके आया। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नत्रा हाट द नेक्स्ट डे बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, ठीक है। और मैंने आपके लिए कार अरेंज करी थी ताकि आप नेत्रा हाट में जा सको दूसरे दिन, लेकिन आप जा नहीं पाए क्योंकि आपके नी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको कुछ याद नहीं आ रहा है? समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, और आपके साथ एक और व्यक्ति थे उस टाइम रांची में जिसको कि आप जानते थे, मिस्टर दिनेश मुखर्जी। उनका नाम क्या है? मिस्टर दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन अ बंगलो, यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रिफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बावर्ची, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आपको होटल का खाना पसंद नहीं था, इसलिए आपने मिस्टर दिनेश मुखर्जी के एक होटल में रहे, और अपना घर का क्योंकि बाहर का पसंद नहीं था खाना तो आपने बावर्ची रखा। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर, यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर, ठीक है। और मिस्टर मुखर्जी आपके जो सिस्टर है उनके साथ रहे एंड आपके आर्ग्यूमेंट भी हुई थी कि मून लैंडिंग से रिलेटेड, आपको कुछ याद आ रहा है? आई विल टेल you more, you always carried a bag with your books in it on your sightseeing trips, am I right or not, ठीक है। और मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ, आप हमेशा books अपने बैग लेके चलते हो ताकि आपके बुक्स उसमें आ सके जब भी आप ट्रिप पे जाते हो। तो क्या मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें पारिमल घोष बोलता है, ठीक है। बिपिन बापू स्पोक क्वाइटली, हिज आई स्टिल ऑन द बुक्स, ठीक है। लेकिन बिपिन बाबू ज़्यादा सरप्राइज नहीं दिखाता उसके सामने, उसकी आंखें अभी भी बुक की तरफ रहती हैं, ठीक है, जो उसके हाथ में है। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, 58 बोल रहे हो लेकिन कौन से महीने की बात कर रहे हो? द मैन सेड अक्टूबर, नो सर सेड बिपिन बाबू, आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर, क्योंकि 1958 में मैं कानपुर में था, ठीक है। तो यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे, ठीक है। और ये बोल के Nor did he stop talking. लेकिन जो वो आदमी है वो कहीं नहीं जाता और ना ही वो अपना मतलब एक तरीके से बोलना रोकता है। Very strange. One evening I had tea with you in a veranda of your bungalow. You spoke about your family. बहुत अजीब बात है क्योंकि उस दिन मैं आपके साथ चाय पे बैठा था वरांदा में उस बंगलो में एंड आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया। आपने कहा यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपके कोई बच्चे नहीं हैं, एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, आपने अपनी वाइफ को 10 साल पहले खो दिया था। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन विच इज़ वाई यू डिडंट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और आपने बताया था कि आपके जो ब्रदर हैं वो उनकी डेथ हो गई थी इनसेन से, ठीक है, मतलब इनसेन मतलब पागलपन से, एंड इसी वजह से आप एक तरीके से मेंटल हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते थे इन रांची, ठीक है। व्हेन बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स एंड वाज लीविंग द शॉप, द मैन वाज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीव, तो जब बिपिन बाबू ने फटाफट से बुक्स के पैसे दिए एंड वो जब शॉप को लीव कर गया, लेकिन जो पारिमल घोष था वो अभी भी बहुत ज़्यादा डिसबिलीव में था, उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि बिपिन बाबू सारी चीज़ें भूल चुके हैं, इवन कि पारिमल घोष को भी भूल चुके हैं जो इतने टाइम से उनके बारे में बहुत कुछ जानते थे। सो इन सेकेंड पार्ट बिपिन बाबूज कार वॉज सेफली पार्क इन बर्थराम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा, ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इन टू द कार जस्ट ड्राइव बाय द गंगा विल यू सीताराम। तो यहाँ पे जो बिपिन बाबू है, जब वो उनकी कार पार्क हो रखी थी तो जब वो गाड़ी में बैठते हैं तो क्या बोलते हैं कि जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, गंगा के किनारे से लेके चलना सीताराम। सीताराम यहाँ पे ड्राइवर का नाम है। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर, ही हैड नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट, ठीक है। तो अब उन्हें रिग्रेट फील हो रहा था कि मुझे एक इंट्रूडर को, मतलब पारिमल घोष जिसको मैं जानता नहीं हूँ, स्ट्रेंजर है, उसको ज़्यादा अटेंशन नहीं देना था क्योंकि मैं कभी रांची गया ही नहीं, और ऐसा कोई डाउट उसके दिमाग में नहीं था। इट वॉज इनकन्विंसिबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago. तो ये बहुत अजीब सी बात होगी क्योंकि सिर्फ 6 or 7 साल पहले हुई चीज़ वो कैसे भूल सकता है। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, और उसकी जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है।
वॉज ही लूजिंग हिज माइंड. अब वो खुद से क्वेश्चन करने लगता है कि क्या मैं अपनी याददाश्त भूल रहा हूँ. बट हाउ कुड दैट बी, ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस. ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं हमेशा काम करता हूँ, ऑफिस जाता हूँ. इट वॉज़ अ बिग फर्म एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब. बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत रिस्पॉन्सिबल वाली जॉब है. ही वॉज़न अवेयर ऑफ एनी थिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग. ओनली टूडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग एंड येट द मैन यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम. हाउ, ठीक है, वो किसी अपने बारे में किसी को जल्दी से बताता नहीं है. ठीक है, कोई चीज़ इतना सीरियसली नहीं लेता है. लेकिन एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो कि उसने एक स्ट्रेंजर से करी और वो इतनी बड़ी हो गई है, वो मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानता है. ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स. मतलब यहाँ पे वो उसकी पर्सनल जो फैमिली डिटेल्स हैं उसको भी वो पारिमल घोष जानता है. द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ डेथ, ब्रदर्स इंसैनिटी, द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची. मतलब सारी चीज़ें जो पारिमल घोष ने बताई थी वो सारी चीज़ें सही थी, लेकिन उसमें से एक चीज़ सही नहीं थी. दैट इज़ कि विपिन चौधरी लाई इन 58 ड्यूरिंग द पूजाज. ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड्स हरिदास बख्शीस प्लेस. ठीक है, उन्हें इतना याद है कि 1958 में वो कानपुर में थे, पूजा जो कि उनके फ्रेंड के घर पे थी हरिदास पे. ठीक है, ऑल विपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो देर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास. ठीक है, और इन सब की जानकारी किससे मिल सकती है, हरिदास की. और अब पॉसिबल नहीं है कि वो हरिदास को लेटर लिखे. विपिन बाबू सडनली रिमेंबर दैट हरिदास हैड लेफ्ट विथ हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स एगो एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस. और क्यों नहीं लिख सकता वो हरिदास को, क्योंकि उसे याद आया कि हरिदास और जो उसकी वाइफ है वो जापान के लिए एक वीक पहले रवाना हो चुके हैं और अब उसके पास उसका एड्रेस नहीं है. बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन मुझे प्रूफ की क्या ज़रूरत है, ये विपिन बाबू सारे अपने माइंड में सोच रहे हैं. ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैडन्ट बीन टू रांची. ठीक है, उन्हें खुद अवेयर है कि वो रांची नहीं गए. एंड दैट वॉज दैट द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंचर्ड इन विपिन बाबूज माइंड. बहुत अच्छी हवा चल रही थी क्योंकि वो गंगा के किनारे से जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो सारी बातें, पारिमल घोष की जो बातें थी वो घूम रही थी. अराउंड हास्टिंग्स विपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी. और एट लास्ट जो विपिन बाबू है वो डिसाइड करता है कि वो अपने राइट नी, जो जहाँ पे वो पारिमल घोष ने बोला कि आपको चोट लगी थी राइट नी में, वो उसको उठा के अपना जो ट्राउज़र है उसको देखने की कोशिश करता है. देर वॉज अ मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट. इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल वेन द इंजरी हैड अकर्ड. तो यहाँ पे जब वो अपना ट्राउज़र ऊपर करता है तो वो एक लंबा सा निशान देखता है, एक इंच लॉन्ग कट देखता है अपने नी पे, अपने घुटने पे, और उसे समझ में नहीं आता कि ये इंसिडेंट उसके साथ, ये इंजरी उसे कब लगी. Had he never had fall as a boy and cut his knee. जब वो याद करने की कोशिश करता है तो वो सोचता है कि शायद छोटे में उसे चोट लगी होगी. He tried to recall such an incident but couldn't. Then Bipin Babu suddenly thought of Dinesh Mukherjee. और अचानक से उसे दिनेश मुखर्जी के साथ याद आती है, क्योंकि उस रांची ट्रिप में दिनेश मुखर्जी भी उनके साथ थे. The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time. The best thing surely would be to ask him. He lived quite near in Benindan Street. What about going right now? ठीक है, और वो सोचने लगता है कि शायद मुझे दिनेश मुखर्जी से पूछना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही पास रहता है उसके घर के, तो अभी जाने में क्या खराबी है. But then if he had really never been to Ranchi, if Bipin Babu asked for a confirmation, ठीक है, अगर फिर वो क्या सोचने लगता है विपिन बाबू, कि अगर वो कभी रांची नहीं गया तो दिनेश मुखर्जी उसके बारे में क्या सोचेंगे, कि ये सारी इन्फॉर्मेशन्स क्यों ले रहा है. ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड विपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स. उसे लगेगा कि ये विपिन बाबू पागल हो गया है. नो इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम. और लास्टली वो डिसाइड करता है कि ये बहुत बेवकूफ़ी वाला काम है अगर मैं दिनेश मुखर्जी से पूछता हूँ. एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश कार्सम कुड बी. ठीक है, और कैसा वो मेरा मजाक उड़ाएगा वो भी विपिन बाबू को पता था. सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, विपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन. सच अ न्यूसेंस जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर.
ठीक है। और जब वो घर पे पहुंच जाता है तो कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है एयर अपने रूम में बैठ के, और जब वो थोड़ा रिलैक्स कर देता है अपने माइंड को अपनी बॉडी को, तो वो बोलता है कि कैसे बेवकूफ़ लोग हैं जो दूसरों के कंडीशन में या सिचुएशन में या लाइफ में अपनी टांग उड़ाते हैं। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर विपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। और जब वो खाना डिनर करने के बाद बेड में बैठ जाता है और अपनी बुक्स पढ़ने लगता है तो वो सारी चीज़ें भूल जाता है। नेक्स्ट डे इन द ऑफ that with every passing hour the previous day's encounter was occupying more and more of his mind। और जब वो नेक्स्ट डे ऑफिस में जाता है तो बिपिन बाबू नोटिस करता है कि उसे बार बार अब सारी चीज़ें याद आने लगती हैं जो परिमल घोष ने बोली थी। इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। अगर वो बिपिन बाबू के बारे में इतनी सारी चीज़ें जानता है तो रांची ट्रिप के बारे में झूठ क्यों बोलेगा या गलत क्यों बोलेगा। Just before lunch, Bipin Babu decided to ring up Dinesh Mukherjee. It was better to settle the question over the phone. At least the embarrassment on his face wouldn't show. ठीक है, तो वो डिसाइड करता है कि वो दिनेश मुखर्जी को कॉल करेगा फ़ोन पे। ठीक है, फेस टू फेस करने से उसे embarrassment होगी, ठीक है, लेकिन फ़ोन में बात करेगा तो एटलीस्ट उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। 235616 Bipin Babu dial the number. Hello, is that Dinesh? This is Bipin here. Well, well, what's the news? मतलब एक दूसरे का हाल चाल पूछ रहे हैं। I just wanted to find out if you recall an incident which took place in 58. मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें कोई इंसिडेंट याद है जो कि 58 में हुआ था। 58 मतलब 1958 में। 58, what incident? Were you in Kolkata right through that year? That's the first thing I have got to know. ठीक है, तो यहाँ पे उसको बातों में उलझा के क्या बोलता है कि क्या तुम कोलकाता गए थे उस ईयर में? पहली चीज़ तो मैं ये जानना चाहता हूँ। वेट जस्ट अ मिनट, 58, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। तो दिनेश मुखर्जी हर चीज़ अपनी डायरी में रखते थे, तो वो बोलते हैं कि 58 में मैं पहले अपनी डायरी चेक करता हूँ। फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस, थोड़ी देर तक, क्योंकि वो अपनी डायरी चेक कर रहा था तो थोड़ी देर साइलेंस होता है। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप, ही वॉज स्वेटिंग अ लिटल, क्योंकि अब उसको एक तरीके से झटका लगने वाला था तो उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ चल रही थी, उसे पसीने आने लग गए थे। हेलो, यस आई हैव गॉट इट, आई हैव बीन आउट ट्वाइस। वेयर? वंस इन फेब्रुअरी नियर बाय टू कृष्णा नगरा टू अ नेफ्यूज़ वेडिंग। ठीक है, मैं 58 में दो बार बाहर गया, एक तो मैं अपने नेफ्यू के वेडिंग में गया फेब्रुअरी में, एंड देन बट यू हैड नो अबाउट दिस वन, और दूसरी जो कि तुम होनी चाहिए द ट्रिप टू मुखर्जी भी क्या बोलता है कि हम दोनों रांची गए थे क्योंकि ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। यू वर देयर टू, क्योंकि तुम भी वहाँ पे थे। दैट्स ऑल, बट दैट्स ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन क्यों है? स्लूथिंग मतलब इन्वेस्टिगेशन, ये सारी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो तुम? नो आई जस्ट वॉन्ट टू एनी वे थैंक्स। ठीक है, और क्या बोलता है वो? ठीक है, मैं बस जानना चाहता था इसलिए एनी वेज थैंक्स करके बिपिन बाबू अपनी कॉल को कट कर देता है। बिपिन बाबू स्लैम द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विथ हिज हैंड्स। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, अ चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी। देर वर सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स बट ही डिडन ईट देम, ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट। अब उसको इतना बड़ा शॉक लगता है कि वो दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लेता है। ठीक है, क्योंकि अब उसको चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि अब जो दिनेश मुखर्जी है वो भी कन्फर्म कर देता है कि तुम मेरे साथ टाइम पे 1958 अक्टूबर में रांची में थे। एंड वो अपने टिफिन में सैंडविच लेके आया होता है लेकिन मर गई थी, क्योंकि अब उसको बहुत ज़्यादा शॉक लग गया था। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दीज टू पार्ट्स यू कैन फ्रीली आस्क मी। थैंक यू एवरीवन।